ये देखो आप, ये बाबा जी वहाँ पे नहा रहे हैं, देखो सीधा गंगा में। मैंने ऐसा रूट कभी नहीं देखा भाई गंगा मैया का। मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ से जा रही है गंगा रिवर और वहाँ जाके ना इसको घुमा देते हैं, एक पोर्शन कंकड़ की तरफ चला जाता है, एक घाट की तरफ चला जाता है। जय हो गंगे जरूर लिख देना, हर हर गंगे लिख देना, कुछ भी लिख देना, पर एक बार नाम जरूर ले लेना। अब मैं जा रहा हूँ आगे ऋषिकेश, और अभी मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ ना वो दोबारा से दिल्ली से ट्रैवल कर रहा हूँ और उत्तराखंड की तरफ जा रहा हूँ। सोच भी नहीं सकते, आपको कहीं भी जाना है, दिल्ली आज इतनी साफ है, इतनी साफ है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है रोड के ऊपर। क्यों? क्योंकि आज है होली, और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली जो भी इस व्लॉग को देख रहा है। मे भी आप बाद में देखोगे, मैं तो होली वाले दिन ही बना रहा हूँ। तो आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं, और होली जो है वो रंगों का त्योहार है, और भगवान करे कि आपके घर में और आपके रंग आपकी जीवन में भी ना होली के रंग की तरह नए नए रंग भरते रहे, खुशी रहे, सब कुछ अच्छा रहे। और आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में, और अभी मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ ना वो दोबारा से दिल्ली से ट्रैवल कर रहा हूँ और उत्तराखंड की तरफ जा रहा हूँ। हरिद्वार हम मेरे ख्याल से दो बार जा चुके हैं, अब तीसरी बार फिर हरिद्वार की तरफ ही जा रहे हैं। पर इस बार का जो व्लॉग होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि ना मैं इस बार बिल्कुल रोड दिखाऊंगा और आपको प्रॉपर बताऊंगा कि दिल्ली से हरिद्वार आप कैसे जा सकते हो और कितना टोल लगेगा, क्या रास्ता है, क्या शॉर्टेस्ट वे है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है दिल्ली से हरिद्वार जाने का। पर मेन मकसद जो हमारा है ना वो हम दिल्ली से हरिद्वार नहीं जा रहे, पहले मैं दिल्ली से हरिद्वार जाऊंगा, आपको व्लॉग में दिखाऊंगा, उसके बाद हरिद्वार से आगे जाऊंगा ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि मुझे किसी से मिलना है, मेरी किसी से बात चल रही थी। एक और अपने भाई है, यूट्यूबर भाई है, जो मतलब एक अच्छे लेवल पे हैं और उनके सब्सक्राइबर्स ही बहुत सारे हैं, उनसे मैं मिलने जा रहा हूँ, और उनका एक रिजॉर्ट है ऋषिकेश के अंदर। तो भैया से मेरी बात चल रही थी, बहुत अच्छे भैया हैं, उनसे मैं मिलने जा रहा हूँ, आपको मैं आगे बताऊंगा। बाकी अब आप जर्नी को शुरू करते हैं, और आज का दिन है होली का दिन है, तो 25 मार्च, और हमारी जर्नी शुरू हो रही है वही वेस्ट दिल्ली से। आपको जैसे कि पता है मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ, वहीं से शुरू कर रहा हूँ। तो अब आगे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हुआ जाऊंगा। अब ये देखो भाई रोड के ऊपर, आप ये देखो भाई, एक्सीडेंट होते होते बच गया, क्या लोग ना एकदम से आफती है। ये देखो, ये है धोला कुआ का मेट्रो स्टेशन, और हम निकल गए यहाँ पे सीधा। यहाँ से सीधा जाएंगे तो हम निकल जाएंगे इंडिया गेट की तरफ, पर हम लेंगे छोटा सा यूटर्न और हम जाएंगे एम्स की तरफ। छोटा सा यूटर्न लेंगे यहीं से, यहाँ से हम लेंगे यूटर्न। ये रहा, ये देखो ये बोर्ड लगा हुआ ना एम्स और इंडिया गेट की तरफ। अब यहाँ पे भी ना मैं आपको बताऊँ, तीन रास्ते निकलते हैं। अब ये लेफ्ट में अगर चले जाएंगे ना तो हम करोल बाग की तरफ चले जाएंगे, अब हम जाएंगे राइट की तरफ, और राइट में जाके भी अगर हम जो पहला गट लेफ्ट का है ना वो है इंडिया गेट का, पर हमने वहां नहीं मुड़ना, हमने राइट ही रखनी है गट। अब ये लेफ्ट में देखो आपको एम्स का और आश्रम का कट दिख रहा होगा, पर हमने ना एम्स जाना है ना हमने आश्रम की तरफ जाना है, और हमने यहाँ से रोड पकड़नी है सरायकेला खां। अभी आपको आगे दिख जाएगा, ये देखो बारापुला रोड लिखा हुआ है सामने बोर्ड पे, हमने बारापुला रोड की तरफ ही जाना है, और यूटर्न लेके जाएंगे तो सफदरजंग हॉस्पिटल आ जाएगा। ये सामने आप इसका एक मार्क लगा सकते हो कि फ्लैग है, इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, और ये हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ना बारापुला, उस तरफ जाएंगे। नोएडा का बोर्ड लगा होगा, वैसे पीछे बारापुला का लगा था, यहाँ पे नोएडा का बोर्ड लगा होगा, हम यहाँ से जाएंगे। अब यहाँ पे भी आप ध्यान रखना, तीन कट आते हैं, एक राइट का कट है, अगर राइट लोगे तो साउथ तक चले जाओगे, और उसके बाद बीच का कट लोगे तो आप सीधा निकल जाओगे दोबारा से एम्स की तरफ। हमने जाना लेफ्ट से, ये सरायकेला खां, हमने ये बिल्कुल लेफ्ट की जो रेड लेन है ना वहां से जाना है सरायकेला खां की तरफ। अभी तक आपको पता है हम दिल्ली क्रॉस कर रहे हैं, हमने 1 रुपया कोई टोल नहीं दिया। अब एक बार दिल्ली क्रॉस हो जाएगा, दिल्ली मेरठ मेरठ एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, बाद हमारा टोल शुरू होगा, अभी तक तो हमने 1 रुपया भी टोल नहीं दिया। पहले मैं आपको दिल्ली से हरिद्वार का बता रहा हूँ, उसके बाद हरिद्वार से आगे मैं आपको राजा जी नेशनल पार्क तक का बताऊंगा ऋषिकेश क्रॉस करते हुए। और अगर आप राजा जी नेशनल पार्क जाना चाहते हो ना तो भाई मेरी वीडियो जरूर देखना, जरूर देखना, क्योंकि आपको यहाँ पे रास्ता पता लगेगा, वरना आप गलत रास्ते से चले जाओगे। जीपीएस को फॉलो मत करना, मैं आपको फिर रिकमेंड कर रहा हूँ जीपीएस को फॉलो मत करना, जीपीएस से आप नहीं पहुंच पाओगे। ये लेफ्ट हो गए हम सरायकेला खां की तरफ, हमें पूरा घूम के आना पड़ गया, वजह आपको मैंने बता दी, वहां पे रेनोवेशन चल रही थी कि वहां से गाड़ियां जा नहीं सकती थी, इसलिए हमें पूरा लंबा रिटर्न लेना पड़ गया, वरना हम वहीं से लेफ्ट ले सकते थे पीछे से और सीधा सरायकेला खां की रोड पकड़ लेते। अब ये आ गया दिल्ली और मेरठ को कनेक्ट करने वाला हाईवे, और लेफ्ट में इसके गाजियाबाद आ जाएगा, थोड़ी देर बाद नोएडा आ जाएगा, धीरे धीरे हम क्रॉस करेंगे, जैसे जैसे क्रॉस करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो आप लेफ्ट में भी ना मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेट्रो बहुत कनेक्ट कर रही है। ये आ गया देखो आप, अगर आपने गाजियाबाद जाना है, आनंद विहार जाना है तो यही रास्ता है, आईटीओ की तरफ भी यही रास्ता है, और हमने जाना है सीधा। और लेफ्ट पे आप देखोगे ना तो ये कभी यहाँ पे ना जैन शिकंजी वाला होता था, पर अब तो यहाँ पे खुल गया हवा हवाई शिकंजी, नाम इन्होंने क्यों चेंज किया मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो जरूर बताना। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जमुना रिवर, हमारे हम पुल के ऊपर से जा रहे हैं, नीचे जमुना रिवर है और ऊपर से हम पुल से क्रॉस कर रहे हैं, लोहे का पुल है जो कनेक्ट करता है दिल्ली को गाजियाबाद से।
अब हम जा रहे हैं मुरादाबाद की तरफ, जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ मेरठ और मुरादाबाद का एरो बना हुआ है, हम उस तरफ जा रहे हैं राइट की तरफ से। हमने मोस्ट प्रॉब्ली गाड़ी राइट ही रखनी है, लेफ्ट में नहीं रखनी। अगर आप लेफ्ट में रखोगे ना तो आप सीधा निकल जाओगे गाजियाबाद की तरफ, पर आराम से चलाना क्योंकि हाईवे बहुत स्मूथ है और बहुत फास्ट है। एकदम से रेस ज्यादा बढ़ जाती है चलाने वाले, ड्राइवर एकदम से रेस बढ़ा देता है तो यहाँ पे भी डर ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पे हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, चलान 1 मिनट में चलान आ जाएगा आपके पास। हम जाएंगे सीधा हापुड़, मेरठ और मुरादाबाद की तरफ। अच्छा, होली सिर्फ दिल्ली दिल्ली में मनाई जा रही है, दिल्ली से बाहर तो कोई होली मनाई नहीं था। रुड़की 160, मेरठ 69, देहरादून 230, यही हाईवे आपको देहरादून भी लेके जाता है। हालांकि एक एक्सप्रेस वे और खुल गया है दिल्ली से देहरादून का, वो निकलता है वहां लोनी से। अगर आप कहोगे तो मैं वो भी दिखा दूंगा, वो उस रूट पे भी हम जा सकते हैं। पर ये भी हाईवे बुरा नहीं है, पर वो अच्छा बन गया ना तो ये भी बुरा नहीं है। हाँ, कुछ किलोमीटर वहां से कम पड़ते हैं, पर जो अगर यहाँ से रहता होगा और लोनी तक जाएगा, वैसे ही बहुत ट्रैफिक मिलता है दिल्ली वालों को। तो साउथ वालों और वेस्ट दिल्ली वालों को जो कनेक्ट करता है ना, यही वाला हाईवे है जो सबसे अच्छा कनेक्ट करता है, हरिद्वार के लिए भी, रुड़की के लिए भी, और अपना उत्तराखंड में जितनी भी जगह आप जा सकते हो, देहरादून वगैरह सब जगह पे ये अच्छा कनेक्ट कर देगा। आपने अपनी गाड़ी राइट पे ही रखनी है, राइट से लेफ्ट नहीं करनी है, राइट राइट से ही रूट निकलेगा जो भी निकलेगा हमारा। अब ये देखो आप जो गाड़ियां क्रॉस करके भी जा रही हैं, हमको कितने आराम से क्रॉस कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीन गाड़ियां चार गाड़ियां आराम से निकल सकती हैं, 3 लेन हाईवे है, और लेफ्ट में इन्होंने छोटी सी पट्टी बना रखी है जहां पे साइकिल और बाइक को ले जा सकते हैं। अब देखो भाइयों, ये ना शुरू हो गया अपना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, मतलब वही रोड जिससे हम आ रहे थे ना, उसी से सीधा सीधा आते रहे। हमने गाड़ी रखी राइट पे और ये शुरू हो गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। लेफ्ट में सोनीपत दिखा रहा है क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल कनेक्ट करता है ये हाईवे, मतलब आप अगर चाहो ना तो मुरथल से भी कनेक्ट हो सकते हो। ईस्टर्न पेरिफेरल चलता है, वो सीधा कनेक्ट करता है आपको इसी हाईवे पे। और अगर लेफ्ट पे जाओगे तो सोनीपत निकल जाओगे, और अगर हम सीधा जाएंगे तो हरिद्वार निकल जाएंगे। तो हमने इसी हाईवे को फॉलो करना है। और आप देखो इस हाईवे को, कितना प्यारा हाईवे है ये हाईवे जब बना था ना, इसी हाईवे के ऊपर प्लेन को भी लैंड करवाया गया था दिखाने के लिए इसकी मजबूती। हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब मैं इस पे तीसरी या चौथी बार ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे तो ये हाईवे बहुत पसंद है भाई चलने में। और मैं जितना देख पा रहा हूँ ना, मैक्सिमम गाड़ियां दिल्ली की जो है ना बाहर निकली पड़ी है, मेरे को सारी गाड़ियां यही दिख रही है हाईवे के ऊपर, हरियाणा नंबर की, दिल्ली नंबर की, सब बाहर आए हुए हैं। राइट में देखो, लेफ्ट में देखो, सब जगह पे खेत ही खेत है, हरियाली हरियाली है, और इतना खुलापन है। और रात को भी अगर आप ट्रैवल करते हो तब भी अच्छा है, यहाँ पे सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है, पर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की जरूरत भी नहीं है क्योंकि खुला हाईवे है ना, तो चांद की रोशनी हो चाहे सूरज की रोशनी हो आराम से चमकती रहती है। ये इन्होंने सब रेडियम के लगा रखे हैं पाथ वगैरह, आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब हरिद्वार जो है ना वो 180 किलोमीटर दिखा रहा है, और हमारे घर से दिखाता है करीबन 197। मैं आपको स्पेशल रुक के दिखा रहा हूँ, देखो हाईवे कितना प्यारा है, पूरा 3 लेन हाईवे यहाँ से बना हुआ है। आसपास का आप देखो सीन कितना अच्छा बना हुआ है, आपको खुद पता लगेगा कि इस हाईवे की ब्यूटी कितनी अच्छी है। बहुत ब्यूटीफुल हाईवे है, बहुत प्यारा हाईवे बना हुआ है। मैं आपको ना इस हाईवे का ना थोड़ा सा टाइम लैप्स दिखाता हूँ, टाइम लैप्स में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा ये हाईवे। अभी हमने अपना पहला टोल क्रॉस किया है दिल्ली से चलने के बाद, अब सीधा मेरठ में आने के बाद, मतलब मेरठ हम पहुंच गए हैं, पहला टोल हमने क्रॉस किया है। और अब हम ये हाईवे छोड़ देंगे मेरठ वाला। अब ये लेफ्ट में दिखा रहा है मोदी नगर, सीधा मेरठ और हरिद्वार, तो हमने जाना मेरठ की तरफ, हरिद्वार की तरफ। ये लेफ्ट में ना 0 डिग्री, जैन शिकंजी और अलग अलग आउटलेट खुले हुए हैं, जो द मार्स रिजॉर्ट, हम इसी को क्रॉस कर रहे हैं और सीधा जा रहे हैं अपना हरिद्वार की तरफ, और मेरठ क्रॉस हो रहा है हमारा। अभी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 58 पे, जो दिल्ली से हरिद्वार को कनेक्ट करता है। और इस हाईवे पे अभी हम चलेंगे करीबन 100 किलोमीटर, अभी हम और चलेंगे हरिद्वार के लिए। बीच में रुड़की भी आता है, कई ऐसे कट आते हैं जहाँ पे आपने नहीं मुड़ना है, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। फिलहाल तो अभी हम सीधा जा रहे हैं, हमने कहीं पे भी कोई कट नहीं लिया, लेफ्ट या राइट कहीं नहीं लिया, दिल्ली से ही हम चले हैं। जब से हमने मेरठ एक्सप्रेस वे पकड़ा तब से हम सीधे ही चल रहे हैं, हमने कहीं इधर उधर नहीं लिया। तो जैसे ही कोई ऐसा कट आएगा जहाँ पे आपको दिखाने वाला होगा मैं आपको दिखाऊंगा, वरना अभी हम सीधा ही चल रहे हैं। पहले हमने दिल्ली से चले थे, दिल्ली से हम गए सरायकाले खां, सरायकाले खां से हमने लिया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, वो सीधा ही आ जाता है, आपने कहीं मुंडा नहीं होता, गाड़ी को सिर्फ राइट पर रखना है। उसके बाद एक्सप्रेस वे खत्म होने के बाद से हम नेशनल हाईवे 58 पर चल रहे हैं, NH 58 पे, हमने कोई राइट लेफ्ट टर्न नहीं लिया, अभी तक हम वही चल रहे हैं। बोर्ड आ रहे हैं बार बार मुरादाबाद के लिए, कभी किसी कट के लिए, पर हम लोग राइट पर रख के गाड़ी सीधी चल रहे हैं।
अब आप ये देखो हरिद्वार रह गया 133 किलोमीटर, तो अभी हम सीधा ही चलेंगे 100 किलोमीटर तक। आगे जाके रुड़की से एक कट मुड़ता है हरिद्वार के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आसपास आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन चल रही है बहुत अच्छे धड़ल्ले से, और क्या कहते हैं होली का माहौल है, तो होली वाले तो आपको लोग दिल्ली में जैसे दिख रहे थे बीच में हाईवे में तो मेरे को नहीं दिखे, पर अब यहाँ पे मेरठ में आने के बाद भी लोग दिख रहे हैं स्कूटी पे और बाइक पे होली मनाते हुए, कलर वगैरह लगे हुए, रंग लगे हुए लोगों को। और कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से चल रही है, ये मेट्रो की कंस्ट्रक्शन चल रही है लेफ्ट में सारी, मेरठ में जो मेट्रो एक्सटेंड हो रही है दिल्ली मेरठ RRTS के नाम से, दिल्ली मेरठ रेल कॉरपोरेशन, और ये सारा का सारा मेट्रो का काम चल रहा है, ये मेट्रो का स्टेशन बन रहा है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम पे आप दिल्ली से मेरठ मेट्रो पे ही आ सकते हो, और इस मेट्रो को ना रैपिड मेट्रो कहा जा रहा है, नॉर्मल स्पीड पे नहीं है ये, नॉर्मल मेट्रो से ज्यादा स्पीड पे चलती है। और इससे ये पता लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है दिल्ली, इंडिया का एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो मेरठ में रहते हैं और दिल्ली तक ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनका बिजनेस और काम दिल्ली में है, और कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में रहते हैं और मेरठ ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो रहा है, दिल्ली मेरठ को कनेक्ट कर रही है ये मेट्रो। बाकी अभी अब आपको आगे मिलते हैं, जैसे भी कोई कट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, राइट लेफ्ट अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगी। बाकी हम उसी हाईवे पे चलते हैं, हमने कहे अब तक छोड़ा नहीं है NH 58। आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो दिल्ली से मेरठ की या दिल्ली से हरिद्वार की, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, मैं आपको हर चीज की नॉलेज दे दूंगा, हर चीज में आपका साथ दे दूंगा। ये देखो बाइक पे लड़के जा रहे हैं लेफ्ट पे देख सकते हो आप, ये अब राइट पे जा रहे हैं, लेफ्ट पे जा रहे हैं, ये सारे होली मनाने जा रहे हैं या होली मना के आ रहे हैं। अब एक और टोल प्लाजा आ गया, अभी तक हमने एक ही टोल दिया था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे क्रॉस करने के बाद, वो भी एंड में, अब ये सेकेंड टोल आ रहा है जो हम देंगे हरिद्वार से पहले। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैसे टोल का प्राइस, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, वहां पे तो नहीं लिखा था, यहाँ लिखा हुआ है 110 रुपए, 110 रुपए का टोल है ये। कहीं भाई तो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं आपको सच बता रहा हूँ भाई, ये आप देख सकते हो नेक्सॉन की ही एवरेज है। आप ये देखो कितनी एवरेज दे रही है नेक्सॉन, 23.1 की एवरेज दे रही है, और आप देख सकते हो भैया बहुत आराम से एवरेज दे रही है 23.1 की। ये जो रूट है ना, ये राइट जो हो जाओगे ना आप खतौली की तरफ चले जाओगे, अगर आपने मीरापुर या हल्द्वानी की तरफ जाना है तो आप यहाँ से राइट कट ले सकते हो, बाकी हमने सीधा जाना है। अभी NH 58 के बाद हम जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं खतौली बाईपास, तो रुड़की बाईपास जब हम क्रॉस करेंगे आपको मैं तब दिखाऊंगा रुड़की बाईपास, अब फिलहाल हमने खतौली पार कर लिया, खतौली बाईपास हमने क्रॉस कर लिया। बाईपास का मतलब होता है कि बार बार से हम निकल गए, हम सिटी के अंदर नहीं गए, भूखे पेट तो देखो भैया ट्रैवल कर नहीं सकते, तो हमारे पास ट्रैवलिंग का क्या ऑप्शन बचता है, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप रोड साइड से ये सब चीजें खाओ, फ्रूट वगैरह, ये ज्यादा बढ़िया होता है। वैसे तो आगे गन्ने का रस भी मिल रहा है, पीछे भी गन्ने का रस मिल रहा था, पर मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि गन्ने का रस जो होता है ना अगर गलत जगह से पी लो ना तो तबियत खराब होने के बहुत चांस होते, इससे बढ़िया ये है कि आप फ्रूट चाट ही खा लो, सबसे बढ़िया है फ्रूट चाट। मैंने ले लिया भाई ये फ्रूट चाट, और ये दो तीन ये ले लिए मैंने आलू भुजिया और ये खट्टा मीठा, और ये मैंने एक वेजिटेबल वाली चाट जो है ना ये पैक करा ली। मतलब मेरा अपना मानना है कि हाईवे पे आपका खाना पीना सही होना चाहिए, नहीं तो भाई तबीयत खराब होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो बढ़िया खाओ बढ़िया रहो बस, इससे आपका मतलब स्टमक वगैरह ठीक रहेगा। हाईवे पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि गलत खा लो, गलत पी लिया तो आपका स्टमक खराब ना हो जाए, जो ट्रैवल कर रहा होता है ना उसको तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। चलते हैं अब आगे, ठीक है, रस्ते में चलते 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 आराम से खा भी लेंगे। भैया भी मस्त था, मतलब थोड़ी चालाकी कर रहा था पर फिर अपने आप ही बोला रेट, उसने मेरे से बोला कि भैया फ्रूट चाट जो है ना फुल प्लेट 120 की है, हाफ प्लेट 60 की है, मैं कहा ठीक है, वेजिटेबल वाली जो थी वो कह रहा है 80 रुपए की है, मैं कहा ठीक है भाई। तो मुझे ये था कि मैंने दोनों चीजें खानी है कि थोड़ा थोड़ा टाइम के गैप पे पहले फ्रूट चाट खा लूंगा फिर मैं वेजिटेबल खा लूंगा, जिससे कि मेरा मतलब बॉडी ठीक रहेगा, एनर्जी बूस्ट रहेगी। अब क्या किया, पैसे के टाइम पे कह रहा भैया 70 की हाफ प्लेट है, भाई 1 मिनट में पलट गया, वो तो कैमरे में रिकॉर्डिंग थी। मैंने कहा भैया वैसे क्या है कि ले ले 10 रुपए फालतू, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब ये क्यों बोल रहे हो कि भाई 10 रुपए फालतू हो गए, या आप बोल दो भैया मैंने थोड़ी आइटम ज्यादा डाल दी, मतलब इतना कर देते हैं हाईवे पे, आपने ध्यान रखना है भाई स्कैम वैम का, ये चाहे 10 रुपए की बात है बहुत छोटी सी बात है पर ध्यान रखना है। अब हम मैंने भैया से भी पूछा हम कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरनगर है, नहीं सॉरी मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर नहीं है, मुजफ्फरपुर जो है वो है बिहार में। भैया बड़ा मजेदार था, कह रहा बिहार में भैया मुजफ्फरपुर, मैंने कहा भैया तू बिहार से है, कह रहा नहीं नहीं बिहार बिहार से नहीं हूँ मैं, यहीं से हूँ। तो अब हम जा रहे हैं भैया अपना ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं, हम नई जर्नी शुरू कर रहे हैं दोबारा से, ठीक है, और साथ साथ मैं फ्रूट चाट खाता रहूंगा और आपको मिलूंगा अब आगे थोड़ा सा, अब मैं आपको आगे मिलता हूँ, ठीक है, चलो। आपने कुछ भी हो जाए इस हाईवे को नहीं छोड़ना, इस हाईवे को जैसे ही आपने छोड़ा
आपको दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी कि रास्ता चेंज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। पर ये स्ट्रेट इसी रोड को पकड़ो आप, ओल्ड न्यू रोड कुछ नहीं है, यही रोड है बस। NH 58 के बाद NH 334 यही सब चलता रहेगा बस, और आपने कहीं टच नहीं करना। बोर्ड आते रहेंगे, बोर्ड पढ़ते रहो, जिससे आपको अंदाजा होता रहेगा कितनी देर है, कितनी देर में पहुंचने वाले हो। जैसे अब मेरे को दिख गया, मेरे को पता लग गया कि और 30-40 किलोमीटर पे मैं पहुंचने वाला हूँ हरिद्वार, और हरिद्वार पे इस व्लॉग को एंड कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा हरिद्वार से अपना आगे ऋषिकेश का, जहां पे मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश, और यानी कि राजा जी नेशनल पार्क। और राजा जी नेशनल पार्क के अंदर एक रिजॉर्ट है जिसका नाम मैं अगले व्लॉग में आपको बता दूंगा। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, यही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था पहले भी। इसको देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो मंदिर हैं, हिंदू टेम्पल हैं, वो उत्तराखंड में है। और ऐसी भी मान्यता है कि जब पांडव वनवास में थे और भ्रमण कर रहे थे भारत का, तो सबसे ज्यादा जो मंदिर उन्होंने बनाए थे ना, वो उत्तराखंड में बनाए थे। इवन आप जैसे हरिद्वार जाओगे ना, वहां पे भीम गोडा भी जगह नाम की है, जहां पे भीम ने अपना गोटा मारा था। पांच पांडवों में से एक भीम भी थे जिन्होंने अपना गोटा मारा था, तो इसलिए भीम गोटा भी कहा जाता है। ज्यादातर जब ट्रैवल करते हैं ना हम हाईवे पे, तो हमें सबसे ज्यादा मुसीबत क्या होती है, पानी की। हमारा पानी बदलता रहता है, तो प्रेफर किया करो कि पानी जो है ना, जैसे इंडिया में हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कई जगह पानी बहुत अच्छा है, जैसे उत्तराखंड का पानी बहुत अच्छा है, पहाड़ों का पानी है, ये मैं मानता हूँ। पर हमारी बॉडी ना अडेप्ट कर चुकी है दिल्ली का पानी, जो घरों में प्यूरिफायर वगैरह लगे हुए, RO लगे हुए, तो प्रेफर ये करो कि आप बाहर निकलो ना, तो बाहर बोतल वाला पानी ही प्रेफर करो। हरिद्वार 52, मैं कह रहा था कि आप बोतल वाला पानी ही प्रेफर करो, क्योंकि पानी सेम रहना चाहिए। जब पानी डिफरेंट हो जाता है ना, तो आपके तबीयत खराब होने के चांस ज्यादा होते हैं। अब ये जो राइट पे कट जा रहा है ना, ये राइट पे ना ओल्ड NH 58 का कट है। आप यहां से भी जा सकते हो, पर मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मैं इसी हाईवे को टच करूंगा, मैं राइट की तरफ नहीं जाऊंगा। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी, मैं आपको फर्स्ट गो में यही कह रहा था। और अभी तक हमारी गाड़ी 23.2 की एवरेज दे रही है। हो सकता है कई लोग मेरे को ये बोले कि जो मीटर के ऊपर आ रही है वो एवरेज सही नहीं है, और मैंने कई बार कैलकुलेट करी है, मोर और लेस इक्वली बैठती है। ये देखो, यही मैं आपको कह रहा था कि देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हर की पौड़ी, हरिद्वार, नीलकंठ मंदिर, केदारधाम, केदारनाथ, गंगोत्री, वहां पे पीछे पेड़ के पीछे बद्रीनाथ लिखा हुआ है, और यमुनोत्री धाम। मैंने कहा ना, इसको देवभूमि ही कहा जाता है। हरिद्वार 42 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग 204, बद्रीनाथ 358। तो भैया किस किस ने जाना है बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग बताओ मुझे। ये वाला सिस्टम भी मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, एयर सफारी का, यहाँ पे शुरू हो गया होगा, मैंने कभी की नहीं है यार। मसूरी में है यार जॉर्ज एवरेस्ट, वाह। मतलब मसूरी से हेलीकॉप्टर लो और पूरा का पूरा आपको सफारी करवाएंगे, दिखाएंगे उत्तराखंड, बढ़िया है यार। चार्ज भी उस हिसाब से होगा, पर ऐसी चीजें करनी चाहिए इंसान को ना, मतलब अपनी लाइफ में कुछ रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये काम नहीं किया, मैंने वो काम नहीं किया। काम देखो सारे करने चाहिए। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक ब्लॉग देखा था, पैसेंजर परमवीर, मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ, वो लड़का बहुत अच्छा ट्रेवल करता है यार, और वो वीडियोस अच्छी बनाता है। और मेरे को उसमें एक अच्छी चीज लगी, जो उसने साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे वो अभी था प्रेजेंट में, वहां पे उसने आपका फुटबॉल क्लब वालों को वो बांटे शूज, और वो क्या कहते हैं उनकी ड्रेस, क्योंकि वहां पे कोई भी नई चीज नहीं खरीद सकते। साउथ अफ्रीका में बहुत ऐसी कंट्री है, बहुत स्टेट्स हैं जहाँ पे एक्चुअल में उनको उतने डेवलपमेंट नहीं है जितनी हमें मिली हुई है। हमें बहुत आजादी मिली हुई है। इंडिया के अंदर रह रहे हो ना, तो आप 100 बार शुक्रिया करो कि इंडिया में आप पैदा हुए। हालांकि इंडिया इतना महंगा नहीं है, हम लोगों के हिसाब से महंगा है, पर फॉरेन के हिसाब से महंगा नहीं है। पर भारत में रहते हुए ना भाई, कसम से आप 100 बार शुक्रिया करो, क्योंकि आप ऐसी जगह पे आए हो जहां पे आपको आजादी मिली हुई है, इंडिपेंडेंसशिप है, बोलने की आजादी, खाने की आजादी, घूमने की आजादी। वरना लोगों के पास ना ये भी नहीं है यार, लोग तरसते हैं 2 टाइम की रोटी खाने को तरसते हैं, हमको खाना मिलता है, हम खा पा रहे हैं, यही हमारा बहुत बड़ा नसीब है। यहाँ पे चेरीज बहुत मोटी मोटी हैं यार, बहुत बड़ी बड़ी हैं और मोटी मोटी चेरीज हैं। अब यहां से आप अंदाजा लगा लो कि आप आ गए हो हरिद्वार, और हरिद्वार में आने का मतलब क्या है कि गंगा स्नान तो आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर हरिद्वार आओगे तो पाप तो धो के जाओगे ना भाई, और हम डेली बेस में इतने पाप करते हैं, इतने पाप करते हैं, तो हमें तो रोज ही नहाना पड़ेगा गंगा से।
जाने अनजाने में, ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली करते हैं, पर जाने अनजाने में हम बहुत करते हैं, क्योंकि झूठ बोलना भी एक पाप है भाई। सेंट्रो लेके आया हुआ यार, सही है, हैवी ड्राइवर है सारे के सारे। मेरे को एक बार ना आप कमेंट में बताना यार, आप नेक्सॉन अगर किसी के पास है वो कितनी एवरेज निकाल सकता है। मैं नेक्सॉन में 23.3 की एवरेज निकाल के चल रहा हूँ इस टाइम पे। अगला ट्रिप हमारा भाई मैंने डिसाइड कर रखा है वैष्णो देवी का। तो जो भी भाई अब वैष्णो देवी के बारे में जिन जिन के कोई भी सवाल है, जो भी जानना चाहता है, कोई भी क्वेश्चन हो दिमाग में, तो आप मेरे को मैसेज करना। और आप कैसे रूट पे जाना चाहते हो, कि वैष्णो देवी जाने के कई रूट हैं, जरूरी नहीं है कि हमने गाड़ी में ही जाना है, वहां जाने के लिए तो हम ट्रेन पे भी जा सकते हैं। ठीक है, आप मेरे को जरूर बताना कि आपको वैष्णो देवी के बारे में क्या जानकारी चाहिए, वरना मैं अपने हिसाब से आपको हेलीकॉप्टर की जानकारी देना चाहता हूँ। वैष्णो देवी जाने के लिए हेलीकॉप्टर का रूट क्या है, और हेलीकॉप्टर कैसे आप ले सकते हैं, अगर एग्जैक्ट मोमेंट पे जाते हैं तो हेलीकॉप्टर मिलता नहीं है, कैसे मिलेगा, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। अगर आप चाहते हो, कोई सवाल है तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, मेरे को आंसर करने में बड़ा मजा आता है। और ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप जितने मर्जी कमेंट करो, आपको मेरा जवाब जरूर मिलेगा हर कमेंट पर। थोड़ा लेट हो सकता है, कभी बिजी होऊंगा तो रिप्लाई नहीं करूंगा, पर रिप्लाई दूंगा जरूर, जो भी पहली बार आ रहा है या जो बाय रोड पहली बार आ रहा है, क्योंकि हरिद्वार हो सकता है आप बाय ट्रेन आए हो, कोई यहाँ पे हाईवे में आपको दिक्कत नहीं है। इवन देखो भाई सेंट्रो लेके आया हुआ था पीछे, हैवी ड्राइवर है ना, हम तो फिर सारा नेक्सॉन लेके आए हुए हैं, हमारी गाड़ी तो फिर ठीक चल रही है। तो ये हमारा आ गया चौथा टोल, दिल्ली से चलने के बाद ये चौथा टोल है जो हम क्रॉस करेंगे। इसको क्रॉस करने के बाद हम आ जाएंगे हरिद्वार। मेरा भाई सच में ना नसीब इतना खराब है ना टोल को लेके, जिस जगह पे मैं आता हूँ ना आगे गाड़ी अड़ी होती है, मेरे को ध्यान ही नहीं रहता, मैं जरा खाली जगह छोड़ के इधर आ जाता हूँ, बाद में पता लगता है जी यहाँ तो टोल चल ही नहीं रहा। लो जी अब मैं बैक कर रहा हूँ तो ये चल पड़ा है। लो जी हरिद्वार में आपका स्वागत है, हर हर गंगे बोलो और हरिद्वार में अपना स्वागत करो। देखो आप बिल्कुल हरिद्वार से पहले मोहन जी पूड़ी वाले, इनका हाईवे पे ये बना हुआ है जहाँ पे आप पूड़ी खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। इन्होंने पूरा एक रेस्टोरेंट टाइप बना रखा है। हमें अभी पूड़ी खाने का कोई मन नहीं है तो हम तो चल रहे हैं आगे, पर मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता था कि ये बना हुआ है यहाँ पे भी। तो अब हम आ गए हैं हरिद्वार, और ये मोहन जी पूड़ी वाले जैसे ही क्रॉस होगा ना, वैसे ही पता लग जाता है कि हम लोग आ गए अब हरिद्वार। तो अब हमारा जो मेन मोटिव है ना, हम वो पूरा करते हैं। पहले तो हरिद्वार पहुंचने की खुशी मनाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इतना रास्ता तो हमारा कवर हो गया, ये हमारे लिए जरूरी था। अभी ये मोहन जी पूड़ी आने के बाद भी, मोहन जी पूड़ी वाले आने के बाद भी हमें आगे जाना है। अभी आगे है हमारा हरिद्वार, हरिद्वार अभी आया नहीं है, पर यह है कि हरिद्वार इन अ सेंस हरिद्वार आ गया है, पर अभी हम गंगा जी के किनारे हर की पौड़ी नहीं बोलते, अभी वहां पहुंचना हमारा बाकी। ये हम ऊपर से जा रहे हैं, हम क्रॉस कर रहे हैं, ये घाट आ गया, हर की पौड़ी आगे है, यहाँ से आपका गंगा स्नान शुरू हो जाता है, गंगा नदी शुरू हो जाती है। ये देखो आप पतनाम साक्षी घाट, यहाँ पे देखो लोग होली पे आए हुए हैं स्नान करने के लिए। हम ऊपर खड़े हैं, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको, और ये देखो सारा गंगा का नजारा। होली वाले दिन जो यहाँ पे आ रहा है, सोचो कितना नसीब वाला है। अब वो देखो सामने सारे पहाड़। तो अब हम आ गए हैं सर्विस लेन पे, मतलब रोड से हम सर्विस लेन की तरफ आ गए। ये देख लो आप, ऐसे सर्विस लेन की तरफ आना है आपने, और आप सर्विस लेन से अंदर जा सकते हो हरिद्वार के लिए। ये देखो आप यहाँ से ना आप हर की पौड़ी की तरफ जा सकते हो। ये देखो हम पुल पे नहीं चढ़े, हम पुल के नीचे से आ रहे हैं, और ये देखो आप हर की पौड़ी की तरफ कैसे जाना है। ये रहा सर्विस लेन ले ली हमने, सर्विस लेन से हम हर की पौड़ी की तरफ आ रहे हैं। हर की पौड़ी की तरफ जाने का मतलब ये है कि जो मेन घाट है ना यहाँ का, वो हर की पौड़ी है, जहाँ पे आपने जाना है स्नान के लिए। यहाँ पे आने के बाद यार मैं सच बता रहा हूँ, एक अलग ही नजारा आता है, मतलब आपको एक अलग ही फील आती है, आप जो सोच भी नहीं सकते। मुझे तो बहुत मजा आता है। अभी हम सीधा जाएंगे, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा शिव जी की मूर्ति, कितना बड़ा है यार कसम से। मतलब अभी हर की पौड़ी गया है, अब ये लेफ्ट में हमारे वही धनुष पुल आ रहा है जो मैंने आपको दिखाया था, धनुष पुल हम क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद ये देखो आप अब हम कहाँ आ गए हैं। मैं तो सच में ना मतलब हैरान हो रहा हूँ देख के, मैं तो ये सोच रहा हूँ यहाँ पे लोग आते हैं ना किस लिए आते हैं, इसीलिए आते हैं। यहाँ के नजारे ही बड़े अजीब हैं यार, बहुत अजीब मतलब अच्छे नजारे। ये देखो आप, ये बाबा जी वहां पे नहा रहे हैं, देखो सीधा गंगा में, बाबा हर हर गंगे। मैंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा भाई गंगा मैया का। वहां पे मैंने आपको दिखाया ना डैम, जो गंगा डैम है, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। ये है यहाँ पे देखो शिव जी की मूर्ति, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये है शिव जी की मूर्ति, यहाँ से पता लग जाता है कि आप अब आ गए हो हरिद्वार में। यहाँ पे आप खड़े होकर गंगा जी का नजारा भी ले सकते हो, गंगा का, गंगा नदी जा रही है, और ये सारी यहाँ पे ये देखो ये पार्क बनाया हुआ इन्होंने छोटा। बाकी ये सामने शिव जी की मूर्ति है भाई, इससे बढ़िया लाइफ नहीं हो सकती किसी ट्रैवलिंग बंदे के लिए, जो ट्रैवल कर रहा हो ना उसके लिए इससे बढ़िया नहीं हो सकता। ये देखो आप, मैंने आपको दिखाया ना यहाँ से जा रही है गंगा रिवर, और वहां जाके ना उसको घुमा देते हैं, एक पोर्शन कंखल की तरफ चला जाता है, एक घाट की तरफ चला जाता है,
ऐसे इसकी स्पीड को रोका जाता है, वरना गंगा इतनी स्पीड से आ रही है ना पहाड़ों से, आप सोच भी नहीं सकते। अभी फिलहाल मैं आपको ये दिखाऊं शिव जी की मूर्ति, और इसके साथ ही मैं इस व्लॉग को एंड करूंगा। आप जितने भी देख रहे हैं ना भैया, कमेंट बॉक्स में एक बार जय हो गंगे जरूर लिख देना, हर हर गंगे लिख देना, कुछ भी लिख देना, पर एक बार ये नाम जरूर ले लेना। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूं। अब मैं जा रहा हूं आगे ऋषिकेश, और आपको ऋषिकेश दिखाऊंगा यहां से, शिव जी की मूर्ति जहां पे है ना हरिद्वार, यहां से मैं आपको दिखाऊंगा आपने ऋषिकेश कैसे जाना, और ऋषिकेश मैं कहां जा रहा हूं सब आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी तुम अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खाना पीना अच्छा खाओ, आज की सेहत के हिसाब से बाहर का कम खाओ, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ। बाकी जय श्री राम, हर हर गंगे, और हैप्पी होली अगेन सबको। बाय।